और मांग कर रहे कि हमने कोविड काल में काम किया है, तो सरकार हमारे बारे में सोचिए, तो क्या कदम स्वास्थ्य विभाग उठा रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी आउटसोर्स पे लगे कोविड काल में? हाँ, ये बहुत से विभागों में कर्मचारी आउटसोर्स तरीके से रखे गए और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि दोहरा नहीं, चिंता होना स्वाभाविक भी है और सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। आने वाली कैबिनेट में ये मुद्दा और इस पर फैसला भी लिया जाएगा कि किस प्रकार से हम इन कर्मचारियों को, जो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास हैं, नॉट ओनली स्वास्थ्य के बहुत से और भी विभागों में डाले गए हैं, तो इनके जीवन, इनके करियर के बारे में हमें भी चिंता है। हम बहुत से एंगल से इसको देख रहे हैं और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि शायद अब हम आउटसोर्स से लोगों को नहीं, कोई निर्धारित की हुई नीति के अनुसार ही लोगों का विकल्प लगाएगी, ऐसा भी एक विचार है। सर, जो 30 जून को जो है इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, एक्सटेंशन नहीं मिली है, तो सर क्या इनके लिए नीति बना दी जाएगी या फिर एक्सटेंशन दी जाएगी अभी फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो हमने इनको किसी को भी नहीं निकाला है कोई मौत जगह से, और ऐसी क्योंकि बहुत से जितने आप देखते हैं ये नेशनल हेल्थ मिशन के नीचे के प्रोग्राम हैं, और मैं जानता हूँ कि खासकर जो हमारी सोशल पेंशन है, सामाजिक पेंशन का जो प्रक्रिया है, उसमें मैं देख रहा था फाइल को सिस्टम में सुबह भी कि भाई जो सरकार, केंद्र सरकार ने हमें सचमुच देनी सहायता, वो पूरी सहायता नहीं मिली, परंतु हमें अपने ही एक्सचेकर पर वजन डालकर पूरी सामाजिक पेंशन है उसकी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा वजन भी होता है। इसलिए जब भी हम किसी प्रकार के और लोगों को रखते हैं तो हमें आइंदा तकरीबन ये देखना होगा कि हमें किस प्रकार से इनको, इनके करियर को भी देखना होता है, बिकॉज बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी रखने पड़े, स्पेशली मैं जानता हूँ कोविड के काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, नो डाउट, और वी अप्रिशिएट दैट, और हम भी नहीं चाहते कि इनको ऐसे ही बोल दिया जाए कि भाई अब आप बाहर निकलो, तो ऐसा नहीं होगा, पर इनके लिए नीति निर्धारण की ओर हमारी कैबिनेट विचार करेगी अवश्य। सर, जो महिलाओं को 1500 देने को लेकर एक जो कैबिनेट सब कमेटी भी बनी है, उसको उसके उस दिशा में प्रयास भी कुछ हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को 1500 मिलने हैं, अब आगे किस तरह से बढ़ेगी सर सरकार, और बाकी क्षेत्रों की महिलाओं को लेकर किस तरह से विचार किया जा रहा है? ये हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट गारंटी है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की हम लोगों को अपने धन का सर प्रबंधन करना पड़ा, इसी प्रकार से हम आप शीघ्र ही देखेंगे एक बड़ा मेजर फंक्शन भी शो होगा, और हम ग्रेजुअली जितने भी वर्ग इसमें आ रहे हैं, जितने भी इसमें एज ग्रुप में बांट रहे हैं, उस हिसाब से इनको चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों को, जो 1500 रुपये की हमारी पेंशन की जो बात आपने कही है और जो हम लोगों ने लोगों के साथ वादा किया है, पूरा किया जाएगा। सर, एक तरफ प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क लग रहा है, दूसरी तरफ सर नकली दवाइयों के मामले लगातार प्रदेश में सामने आ रहे हैं, किस तरह से नकेल कसी जाएगी ऐसे लोगों पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा है। मेरा मानना है कि हम आई थिंक मानवता के स्तर से बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं, उत्पादक या जो भी इस प्रकार के उत्पादन की में जुड़े हुए हैं उनको शायद ये मानवीय मूल्यों का कोई ध्यान नहीं होता, और किसी न किसी प्रकार से बहुत से चीज़ें हमारी नज़र में आती हैं, तो हमारे बड़े सीधे एक्ट के अनुसार सीधे निर्देश भी हैं और दिए भी जा चुके हैं कि जो इस प्रकार के लोग होंगे उन्हें पूर्ण रूप से इनको हम डीलिंग करेंगे, और ऐसे लोगों को अगर जिसके दो बार सैंपल फेल हो जाते हैं उसको हम नहीं लगाएंगे। ये बात ठीक कही आपने कि हमारे ड्रग पार्क के लिए, बल्कि हम उसके शिक्षण के लिए हमारे मंत्री महोदय सवेरे जा रहे थे मिल के गए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अच्छे ड्रग पार्क की स्थापना भी हो, और जो ये ड्रग्स और जो मतलब हमारी दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, इस तरफ सख्त कार्रवाई सरकार लेगी
सर बार बार इस तरह के मामले आते हैं जो दवाओं के सैंपल फेल होते हैं और इसमें आम आदमी की जान भी खतरे में रहती है, तो क्या सर कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ या कोई क्रिमिनल कार्रवाई उनके और ये बहुत ही सीरियस सॉर्ट ऑफ क्राइम है और इसको इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो दो बार से ज़्यादा हमारे पास इन होगा उसको यहाँ उत्पादन की परमिशन ही नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट वी रोल हिम आउट एंड सेंड हिम आउट ऑफ हिमाचल ऑनली। उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे क्या सर अगर इस तरह के बार बार परमिशन? नहीं परमिशन नहीं दी जाएगी। हम बहुत ट्रैकिंग कर रहे हैं इस बाकी केसेस की और जो इसे दोषी पाए हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड्स ठीक नहीं है उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। और सर प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आईजीएमसी में पेट स्कैन मशीन लगनी थी, उसकी क्या स्थिति है? क्या अभी जल्द लग जाएगी कि अभी टाइम लगेगा? शीघ्र ही पेट स्कैन स्कीम लगने वाली है। इनफैक्ट मैं परसों ही बात कर रहा था अपने डॉक्टर साहब से जो उसके इंचार्ज और उन्होंने मुझे डॉक्टर फतेहदार जी ने बताया कि ये मशीन शीघ्र ही हमारी स्थापित हो जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलकर इसको इनफैक्ट हम लोगों ने स्थान का फाउंडेशन स्टोन भी लेकर दिया है। अब जगह बन भी रही है और शीघ्र ही आपको ये उपकरण हासिल होगा। मैं जानता हूँ बहुत से सीरियस केसेज आ रहे हैं हमारे पास और एक कॉमन सॉर्ट ऑफ डिजीज बन गई है, तो इस ओर हमारा पूरा ध्यान है सरकार का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।